enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. आज पूरा देश मना रहा है ईद, तो भला बॉलीवुड कहाँ रहने वाला है पीछे? बॉलीवुड के खान्स ने भी मनाई ईद। आमिर ईद पर अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे तो सलमान के घर में नजर आया जश्न का माहौल। वहीं किंग खान ईद के दिन रहे शूटिंग में बिजी। खान्स की ईद देखिए आज की किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में। कुछ इसी अंदाज में आमिर ने सभी को कहा ईद मुबारक। ट्वीट के मौके पर सलमान के यहाँ लगा रहा मुबारकबाद देने वालों का तांता। वहीं पिछली बार से एकदम अलग ईद के मौके पर शाहरुख रहे अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी। बॉलीवुड में ईद की मुबारकबाद देने में इस बार सबसे आगे रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। परफेक्ट रूप से तैयार होकर आमिर अपने घर से निकले, जो भी मिला उसे गले लगाया और बताया कि बचपन में वो ज्यादा से ज्यादा ईदी पाने के लिए किस तरह कई बार सलाम किया करते थे। मेन फोकस हमारा रहता था कि हम ईदी इकट्ठा करें, तो जितने एल्डर्स थे उनको मिलते थे और उनको सलाम करते थे, बार बार सलाम करते थे। तीन दफा सलाम किया, तीन दफा ईदी ले ली। साथ ही सभी को ईद की मुबारकबाद। हिंदुस्तान के सभी मेरे भाइयों बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप सब खुश रहें, ये मेरी दुआ है। फिर चल दिए ईद की खुशी अपने रिश्तेदारों के साथ बांटने के लिए। वहीं सलमान खान के लिए ये ईद थी एकदम खास, क्योंकि ईद की खुशी के साथ साथ उन्हें वांटेड की सक्सेस भी तो सेलिब्रेट करनी थी। सलमान को ईद की मुबारकबाद देने के लिए उनके रिश्तेदारों के अलावा उनके घर पहुंची कटरीना कैफ भी। वहीं शाहरुख खान ने इस बार खुद को ईद के सेलिब्रेशन से थोड़ा दूर ही रखा। शाहरुख सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल गए अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। तो कुछ इस तरह बॉलीवुड के तीनों खान्स ने अपने अपने ढंग से मनाई ईद। चेतना सिंह के साथ गौरव दुबे, जूम मुंबई।